Sai Krishna, how are you? I hope that you all will be fine. Today we are going to start an exercise 3D. Okay, in previous lecture you have learned how to expand the product of two linear factors and get the answer in quadratic expression form. लेकिन यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3D फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली. हमें एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है a² + 9a + 8. हमने जो है वो क्या मालूम फैक्टराइज करना है, मतलब वो कौन से लीनियर फैक्टर्स है, वो कौन से लीनियर एक्सप्रेशन है, जब मल्टीप्लाई किया गया होंगे तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. अब इसको करने का तरीका क्या होता है, वी नो दैट The coefficient of a square का coefficient क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं, means that a square का coefficient 1 है. a का coefficient क्या है 9, और a जो है वो constant है, यानी आपके पास कितनी terms हैं 1, 2, 3. What we do first step क्या होता है हमारा, हम first term और last यानी first term और third term के coefficients को multiply. Look at it. The coefficient of first term is 1 and the coefficient of last term is 8. We multiply by 1 multiply by 8, we get the answer 8. Okay. अब हमने क्या करना होता है, next step हमारा होता है कि वो कौन से जो factor है, यानी वो कौन से जो number है जिनको multiply करें हम, हमारे पास answer 8 आए. लेकिन जब इस sign को देखते हुए हमें decide करना होगा, लेकिन जब हमने plus करें तो हमारे पास answer 9. हमें पता है a मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट द आंसर 8 मल्टीप्लाई 1 8, और जब 8 में ही 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा. ओके, 8 + 1 वी गेट द आंसर 9. अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम मिडिल टर्म लेते हैं, हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं. टू फाइंड द एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करके. मिडिल टर्म कौन सी हमारी, बीच की टर्म 9 है, उसको हमने ब्रेक किया. और फिर हम क्या करते हैं, ये टर्म पूरी की पूरी उठा के हम मिडिल में रख देते हैं, यानी 9a की जगह हमने क्या किया है, हमने रख दिया है 8a + 1a. हमने वेरिएबल जो यहाँ मौजूद है वो लाजमी लगाना है इन नंबर्स के साथ. हमने जो ये वेरिएबल मौजूद था ए, वो हमने यहाँ लगा दिया 8a + a + a. आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है ये, विद इन अ प्रैक्टिस आप इसमें जो है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी है. और जब फैक्टराइजेशन जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो समझ में आ जाता है तो ये इतना ही इंटरेस्टिंग हो जाता है. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, मिडिल टर्म में हमने अपने ये फैक्टर्स उठा के रख लिए. उसके बाद हम पेयर्स में जो है वो कॉमन लेते हैं, यानी इन दो टर्म्स कितनी टर्म बन गई है 1, 2, 3, 4, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है. ओके, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, मीन्स यहाँ कितने ए हैं, 2a है और यहाँ 1a है. हमने a कॉमन ले लिया. ठीक है, अब जब हमने यहाँ से a स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाई a, जब हमने a कॉमन ले लिया, हाउ मेनी a आर लेफ्ट हियर, 1, हमने ले लिया a. ठीक, प्लस साइन लगाए, अब इसका a क्योंकि हमने कॉमन ले चुके थे, 1 इज लेफ्ट हियर ओनली 8, ब्रैकेट क्लोज. अब बारी आ जाती है कि इन टर्म में जो है ये दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, हमें यहाँ देखने में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, यहाँ से ए है और यहाँ से एट है. जब किसी भी टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ क्या कॉमन होता है, 1, हमने प्लस 1 यहाँ कॉमन ले लिया है. ठीक है, और ये पूरी की पूरी टर्म उठा के हम अंदर ब्रैकेट में रख देंगे a + a. आप यहाँ तक अपना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ये कैसे पता चलता है, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम हो, हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो गई. अब क्या करना होता है, हमारे पास दो टर्म्स हैं, प्लस की साइन से पहले यानी जो साइन मीनिंग होती है इससे पहले एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. अगर इन दोनों टर्म्स में हम देखें तो हमारे
Let's see one more example. Okay, let's see one more example. Question number 1, part C, C square minus 9C plus 20. The quadratic equation is given you and you have to expand it. And you have to factorize this. हम क्या करेंगे? The coefficient of C square is 1 and the constant number is 20. First digits and the last digit. First term coefficient and the last terms we multiply them. 1 को जब 20 से multiply किया तो हमारे पास answer आ गया 20. अब हमने क्या करना होता है? हमें सोचना है वो कौन से दो number है, वो कौन से factor है. जब हमने multiply करें तो हमारे पास answer 20 आ गया. और जब हमने plus करें, ये sign आपको बता रही हो कि आपने करना क्या है. और जब हम उन दो numbers को plus करें तो हमारे पास answer 9 आए. हमें पता है 5 multiply by 4, we get the answer 20. और जब हम 5 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा. अब बारी आती है कि आपने साइन कैसे लगानी है. प्लस करना है लेकिन साइन यहाँ माइनस है. अगर आपने करना प्लस है और साइन यहाँ माइनस आ रही है तो आपने क्या करना होता है? दोनों नंबर की साइन आपने माइनस लगानी है. ठीक है, वी नो दैट माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस होता है 5 एंड 4 9 और साइन बड़े नंबर की आएगी माइनस 9, यानी वी गेट द आंसर माइनस 9. हमें ये माइनस 9 ही चाहिए था. ठीक है, अंडरस्टैंड? प्लस साइन होती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है हमने, हम सबके साइन प्लस होते थे, लेकिन जहाँ साइन माइनस आ जाती है वहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान से साइन को रखना होता है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये टर्म पूरी की पूरी ये वाली टर्म उठा के मिडिल टर्म को हटा के रख देते हैं, यानी मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया. जब मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो हम ये दोनों ये टर्म्स उठा के यहाँ रख देते हैं, यानी मिडिल टर्म की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 5c एंड माइनस 4c. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब आपने ये काम कर लिया, नेक्स्ट स्टेप होगा आप इनका पेयर बना लेंगे और उनमें से कॉमन लेंगे. यानी इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या है? सी स्क्वायर है और यहाँ क्या है, यहाँ 5c है, यानी कॉमन सिर्फ c है. c मल्टीप्लाई बाय c, यहाँ 2c है जो यानी c मल्टीप्लाई बाय c हो रहा है. ठीक, तो हमने c कॉमन ले लिया, 1c लेफ्ट हियर, हमने उसको यहाँ लिख दिया, माइनस साइन लगाई. अब जब इसका एक c जो है वो ब्रैकेट के बाहर. ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमारे कॉमन आ जाता है c एंड c माइनस 5. c कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, c माइनस 5. हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? माइनस 4 हमें कॉमन लेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है जिसमें 4 और 20 दोनों आते हैं. बड़े से बड़ा वो पॉजिटिव है, हमें पता है वो नेगेटिव 4 है. माइनस 4 कॉमन ले लिया मैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 1. यहाँ हमारे पास सिर्फ 6 रिमेनिंग है एंड 4 डिवाइडेड बाय 20 वी गेट द आंसर 5. माइनस प्लस माइनस, हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है. यह हमें पता चल जाता है कि अगर ये दो ब्रैकेट हमारे सेम हो, हमारी एक टर्म ये है और दूसरी टर्म हमारी ये है, हमने क्या किया है, इन दो टर्म में क्या कॉमन है? सी माइनस 5 ब्रैकेट कॉमन है, हमने सी माइनस 5 जो है वो कॉमन ले लिया है. इसके बाद यहाँ हमारा क्या बचता है? यहाँ हमारा सिर्फ सी बचता है, एक ब्रैकेट में हमने सी कर दिया है. और इस टर्म में हमारा क्या बच रहा है? माइनस 4. तो यहाँ हमने माइनस 4 लिख लिया, यानी ये दो लीनियर एक्सप्रेशन है. जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस 9c प्लस 20. ओके स्टूडेंट, डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी एंड